नमस्ते, मैं ईशा सक्सेना आप सभी का स्वच्छ इंडिया न्यूज पर स्वागत करती हूँ। यूपी के इलेक्शन में कुछ ही महीने बचे हैं, इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए नई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। उन पर फर्जी डिग्री के आरोप लगे हैं, जिस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, यूपी राजनीति का एक बहुत ही बड़ा ओबीसी चेहरा है केशव मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। यूपी इलेक्शन में कुछ ही महीने बचे हैं और बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य के कथित फर्जी डिग्री मामले में बुधवार 11 जुलाई को प्रयाग सागर की एसीजेएम कोर्ट ने जांच के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने प्रयाग सागर की कैंट थाना पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो केशव मौर्य के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच करे और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। प्रयाग सागर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने कहा है कि पुलिस की रिपोर्ट पर 25 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। चलिए अब नजर डालते हैं केशव मौर्य के फर्जी डिग्री मामले पर। इस मामले पर गौर करने की बात यह है कि केशव मौर्य पर जो कार्रवाई की गई है वो बीजेपी के ही सीनियर नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की पहल पर की गई है। दिवाकर ने एफआईआर का आदेश देने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह की अदालत में अर्जी दी थी। अर्जी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत दायर की गई। कोर्ट ने दिवाकर के वकील उमाशंकर चतुर्वेदी की दलीलों को सुनकर पुलिस को जांच का आदेश दिया है। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने कहा था कि 2007 में प्रयागराज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा भी उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं। इन चुनावों में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के तौर पर उन्होंने हिंदू साहित्य सम्मेलन की और से जारी प्रथमा द्वितीय आदि की डिग्री लगाई है। दिवाकर का दावा है कि ये डिग्री मान्य नहीं है और पूरी तरह से फर्जी है। केशव मौर्य पर ये आरोप भी लगाए गए हैं कि उन्होंने फर्जी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के आधार पर ही पेट्रोल पंप भी अलॉट कराया है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी का बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा है। वे 2012 में सिराथू सीट से विधायक चुने गए। 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव प्रयागराज की फुलपुर सीट से लड़ा और 3,00,000 वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन 2017 में उन्हें यूपी की विधान परिषद में मनोनीत करके डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्ते शुरुआत से ही काफी असहज बताए जाते रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व इसे मीडिया जनित भ्रम बताता रहा है, लेकिन दोनों के बीच की तलखी वक्त वक्त पर दिखती रही है। केशव मौर्य 2017 में सीएम पद की रेस में सबसे आगे बताए गए थे। आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का चेहरा बनाया जाने को लेकर जब अटकलें चल रही थी, उसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अलग बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि ये मसला दिल्ली हाईकमान और विधायक दल को तय करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।